यही से समोटा आ रही है हमारे मक्का की। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी भाई, आप सभी को मेरी तरफ से सुबह का टाइम है, बज चुके हैं 5:30, तो कितनी सही 5 बजे बैठ जी। तो मैंने झाड़ू दे दिया, पूछा दे दिया है, तो जी हमारी बना रही है चाय, तो चलते हैं जी के पास। तब तो हमारी दीदी भैंस तब जाने वाली है, 10वां महीना चल रहा है, थोड़ा दिन का और इंतजार है दूध छाछ का, फिर हमारे घर में हो जाएगी। तो भाई चल दिया खेत में तिल्ली काटने के लिए, सुबह के बज रहे हैं 6, देख सकते हैं अभी तो सूर्यदेव भी नहीं आया पीछे से, और साथ में देखो क्या लेके आई हूँ खाने के लिए, क्योंकि आज हम खाना बाद में बनाएंगे, एक बार तिल्ली काटें क्योंकि बाद में गर्मी धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए तो हमने सोची चलो एक बार छाई छाई में काट लेते हैं, फिर उसके बाद बना लेंगे। और जी अभी तक दूध लेके आ रही है हमारी, दूध और छाछ ले रही जाती है, हमारे भैंस दूध नहीं देते हैं, इसलिए अभी तक खड़ी है दूध का इंतज़ार कर रही हूँ। जब घर में दूध नहीं होता है तो ऐसे ही इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये देखो चावल बना के ले आई हूँ, मैं रख दिया है, अभी बाद में खाऊँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, और इधर से मैं काटने वाली हूँ। जी माफी, इंतजार करिए, नड़ा में भाई जी। तब जाके सूर्यदेव भी आ चुका है, देख सकते हैं सुबह का टाइम है, अभी तो 6 बजे हैं बिल्कुल लगभग, और खेत में खाने का मज़ा कुछ अलग ही है, तो इसलिए मैंने सोची चलो खेत में बैठ के खाएंगे, अच्छे लगते हैं भाई खेत में, आप काम करते हैं जब रोटी वोटी खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खेत में बैठ के, इसलिए ये दांत ली। इधर की काट के अब दोबारा से रख लिया इधर की तरफ से, तो जी इधर को लग गई है, और मैं इधर से काट के ले जाऊंगा, और मोंटी भी है साथ में। ये मोंटी काय कर रही है तावड़ा में, है मोंटी, आप तो मोंटी की फोटो आएगी यूट्यूब पर, अरे ये तो ये क्या ही है ये कुत्तो, अरे भागो, अरे राम जी, अरे राम है अरे जी रुक जा, नहीं खेला हमसे न, एक वैसे कान अच्छे लगे सुसा, या भी भाई रोकी बनो देख ये ना मन, और मानो करो बन के देख रहा हूं मैं उनके को, तो भाई मोंटी परेशान कर रहे हैं दोबारा आगो है, आ तो देख गर्मी लगा नहीं, गर्मी तो लग गई है, गर्मी में तो जी जाने कनो फ्राई करा जमींदारों को ना बता, जमींदारों इसी चीज है भाई, अब करना भी पड़े, देखो अगर यह न करा तो फिर पार भी ना पड़े। तो भाई अब जाके इधर से तिल्ली कट गई है हमारी, तो अब इधर को काटेंगे, और सुबह से अब जाके हवा चली है, भगवान ने सुबह से गर्मी मार रखी है, और अब जा रहा हवा चलाई है, नहीं भाई सुबह से चला दिया, और हमारी जी यहाँ पे बैठी है देखो, छुट्टी आई ना छुट्टी, तो भाई हम थोड़ी देर के लिए आए हैं घर, देखो बिल्कुल जी पसीना में भीज गई, और अब जा रहा थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी है, पानी पी बख मारे हैं तो बोतल भर लिया है पानी पी लिया, तो यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर आराम करेंगे भाई, फिर जाएंगे दोबारा से, और दोनों कुत्ता घर की रुका भूस रहे हैं उनका देख देख कर, या ये पेड़ क्यों काट दिया का बालो काई का इंजे आ रहे या का छिटन का दादा ने छांग दिया मोक पतो ही ना मैं भीतर लग रही है,
कोई लफर लफर नु काटता भी कब फुटर कब आएंगे नी। हां नहीं अब तो इन मां आती है ना अभी तो खैर काई कौन जाडान मां है जाडान से पीछा है वैसा का तो नु मां आती पर जाडान तक तो फूटेंगे दोबारा देखो। तो भाई अब घर पे आ गए हैं क्योंकि टाइम भी 11:30 बज चुके हैं तो इसलिए तो अब बनाएंगे रोटी सब्जी। और घर में देखो कैसे हालत खराब हो रही है एकदम पसीना पसीना हो रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसलिए तो चलो कर लेते हैं एक बार काम उसके बाद खा पी के दोबारा से जाएंगे खेत में। तो जीजी बाहर है वो भी कुछ करने वाली है बैसन के लिए न्यार गेरेगी ना बैसन को तो इसलिए तो मैं कर लेती हूँ मेरा काम। तो भाई मैं बना रही हूँ सब्जी घिया की बना रही हूँ तो प्याज और टमाटर देखो मसाला वो हो रहा है तो इसमें डालने वाली हूँ। मैंने घिया क्या है ना उबाल ली थी कमी है भाई और सुबह खाने के लिए तो मैंने चावल बनाए थे तो चलो बना लेते हैं इसको बना के फिर रोटी बनाएंगे। भाई अब बनाऊंगी मैं रोटी सब्जी तो बना ली है और जीजी चले गए हैं दोबारा से खेत में और पापा जी तिल्ली इनको जो काटते हैं ना पुड़ी खड़ी कर रहा है पुड़ी इनको खड़ी कर रहा है और रोटी बना के खा पी के फिर दोबारा से लगेंगे काम करने के लिए। तो एक बार तो मैं झाड़ू दे देती हूँ। तो भाई मैंने चूल्हा भी जला दिया है और बहुत खेड़ जल रही हूँ क्योंकि फांसा ही सही माटी का सा इसलिए। और इधर बुट्ठी जीजी ने बुट्ठी तोड़ दी है तो इनको भी सेकेंगे। ये आटा लगा लिया है तो बना लेते हैं भाई। और मौसम देखो बरसात जैसा हो रहा है एकदम। तो भाई यहाँ पे देखो बुट्टी सिक रही है तो किसको खानी है बुट्टी और सिक चुकी है और रोटी बन गई है ये देखो। जी जी यहाँ पे काट रही है आ जाओ ना रोटी खा लो। तो जीजी को मैं आवाज़ लगा रही हूँ रोटी खाने की। टाइम 12 बजने वाले हैं और मौसम ऐसा हो गया जहाँ कोई बरसात आएगी देखो बदल कैसे हो रहे एकदम। और हमारी जीजी ना मत कम है। तो भाई दोपहर के बज चुके हैं सही 12 तो रोटी बना ली है और अभी खाई नहीं है खाएंगे क्योंकि अब मौसम इतना अच्छा हो गया मतलब तिल्ली काट में लायक हो गो। और जीजी खेत में ही तो जीजी बुलावा आया हूँ। और हमारे जीजी ने देखो मक्कन काई काई कर रखे हैं कोई गंवार की फली कोई खीरा ये देख कितना मोटा है जीजी कितना तोड़ खाना कौन खा को चल ले जाइए ये देखो जीजी नहीं कह रही है दिल्ली ले जा जी। तो भाई है ना एक कमेंट आ रहा है कि हमारा बेच देना 3-4 किलो देखो 3-4 किलो को तो एक ही है इससे मोटा आ रहे हैं हमारे मक्कन खीरा। तो गाँव में तो रहने की मजा है हमारी जीजी पूरी चीज़ करती है जब भी मक्का करते हैं तो जब भी पूरी चीज़ करती है। और मोंटी झाँक रही नीचे को तब चलते हैं घर पे भाई क्योंकि रोटी खाएंगे तो इसलिए ले चलिए आप जीजी अब तोड़ लिए तो ले चल कर एक किलो ले और मोंटी भी यहाँ पे है तब चलते हैं भाई जीजी ने ले लिए दांत ली आ जाओ कच्ची खाओ कच्चा कच्चा खाओ देखो या जीजी कर रहे देखो। पर अब पर मौसम बहुत अच्छा हो गया भाई एकदम चलते हैं घर। तो भाई डाल रही हूँ रोटी यहाँ पे और जीजी भी आ गई है देखो जीजी ने एक बुट्टी खा ली है क्योंकि भूख लग रही थी ना इसलिए जी खा ली है बुट्टी भाई अच्छी लगी चल लगी है ना गैस की तो अच्छी ना। तो इधर छाछ देखती मैं सब्जी रोटी भाई जीजी डाल रही है इधर। भाई खाना खाने लग गए हैं छाछ है सब्जी है तो इधर भाई जी जी खाने रोटी खा गए हैं काट बहुत जाऊँगा तो फिर करी रोटी अब खा पी फिर हो यार कदम और इधर मोंटी खा रहे। तो भाई हमने खाना भी खा लिया है तो ठीक है सभी को बाय बाय तरफ से मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।